इतने ज्यादा अपार मत से 5-5 हजार के अंतराल से जो जीत हुई है, इस्लामपुर की तमाम जनता, तमाम जात बिरादरी की जनता ने उनको नकारने का काम किया। धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेना चाहते थे, लेकिन हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर नगर परिषद में और आज मतों का मतगणना था और उस कड़ी में तनवीर आलम VC बन करके आए हैं, मतलब कि उप मुख्य पार्षद का चुनाव ये जीत चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या काम करने वाले हैं, क्या बोलते हैं कि पूरे नगर परिषद में। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई हो तनवीर भाई। धन्यवाद। कहाँ से राजनीति कैरियर स्टार्ट किए थे और आज उप मुख्य पार्षद बन गए? हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े रहे, यही वजह है कि 2002 से आज तक लगातार हम लोग वार्ड में भी चुनाव जीते, 2 बार भाजपा चेयरमैन रहे, इस बार मेरी बहू निर्विरोध जीती हैं। और आज जब इस चुनाव की घड़ी थी, इस चुनाव में हम लोग कहते थे कि तमाम समुदाय का वोट हम लोगों के साथ है, तमाम लोगों का, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, व्यापारी वगैरह, तमाम लोगों का वोट हम लोग के साथ है। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई कैरेक्टर नहीं था, सिर्फ वो जात पात धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे थे, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, आपने आपको पता ही होगा उस दिन मामला किए, तो बस सिर्फ धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेना चाहते थे। लेकिन आज डिजिटल युग है, आज के नौजवान बैठे बैठे मोबाइलों पे अमेरिका, लंदन, दिल्ली, तमाम जगह देखते हैं, इस्लामपुर के तमाम जनता ने इन धार्मिक उन्माद के बिना पर वोट मांगने वाले को नकारने का काम किया। वो लोग कहते थे कि मुस्लिम का 30% ही वोट है, आप फिर उसको वोट दोगे, ऐसा ऐसा इस ढंग का, आपको लास्ट दिन का मालूम ही है, जामा क्या क्या गाली गलौज। लेकिन तमाम बात को इस्लामपुर की तमाम जनता, तमाम जात बिरादरी की जनता ने उनको नकारने का काम किया और एक होकर इस्लामपुर के हिंदू मुसलमानों ने हमें 8,075 वोट देकर विजय बनाने का काम किया। जबकि धर्म जात और बिरादरी के नाम पर वोट मांगने वाले को 5,000 वोटों से इस्लामपुर की जनता ने पछाड़ने का काम किया। यह है इस्लामपुर के हिंदू मुसलमानों की एकता और सुसंगता। तमाम वर्ग का हमें वोट मिला है। मैं तमाम वर्ग के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस आशा के तहत हमें उन्होंने वोट दिया है, हमें विजय की ओर बढ़ाया है, मैं उनके उम्मीद में 100% खरा उतरने का काम करूँगा। अच्छा, ये तनवीर आलम की जीत है या फिर इस्लामपुर की जनता का जीत है? ये इस्लामपुर के अमन परस्त जनता की जीत है। प्राथमिकता क्या होगा तनवीर भाई साहब, तो मुख्य पार्षद बन गए हैं? कभी भी मैं अपने राजनीतिक करियर में वादा नहीं किया। हमने काम पर विश्वास रखा है, अपने कर्म पर विश्वास रखा है, और जिस ढंग से हमने काम किया है, अपने कर्म पर विश्वास रखा है, इस्लामपुर की जनता ने हमें अपनाया है, मैं अपने कर्म को कर करके उनके आशा के में खड़ा करूंगा। इस्लामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, आखिरी सवाल होगा? इस्लामपुर की जनता को मुझ जैसा छोटा आदमी क्या संदेश देगा। इस्लामपुर की जनता ने इस प्रखंड विजय से अपार मत दे करके पूरे बिहार को और पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है। यहाँ की जनता, यहाँ के हिंदू मुसलमान, यहाँ के तमाम समुदाय के लोग एक होकर और एकता पर, अमन शांति पर विश्वास रखते हैं।
मतलब कि अमन शांति पे विश्वास रखते हैं तनवीर आलम की जीत नहीं, पूरे इस्लामपुर की जीत है। ये पूरे इस्लामपुर की जीत है, तमाम इस्लाम के तमाम वर्गों की जीत है। इस्लामपुर के व्यापारियों ने, इस्लामपुर के गरीब गुरबा ने, इस्लामपुर के तमाम समुदाय के लोगों ने जो जातीय रंग जातीय उन्माद देने का जो काम लोग कर रहे थे उनको नकार करके नकारने का काम किया, या तो आपके सामने है। और सोचिए साहब, इतने ज्यादा अपार मत से 5-5 हजार के अंतराल से जो जीत हुई है, इसे समझ सकते हैं कि इस्लामपुर की जितना जनता कितनी समझदार, कितनी सुशील और कितने ये है। इसलिए इस्लामपुर में कभी कोई भी चाहेगा कि धार्मिक उन्माद फैलाएं, इस्लामपुर में धर्म जात और बिरादरी के नाम पर कोई काम करें तो वह नहीं चलेगा। इस्लामपुर की जनता हमेशा एक होकर के, गोलबंद होकर के पूरे देश और दुनिया को एकता का संदेश देने का काम किया है। आवाज भी इस्लामपुर की जनता। देखिए तनवीर आलम है जो कि बता रहे हैं कि हमारी जीत नहीं है, इस्लामपुर की जनता की जीत है। बाकी जीत के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैसेज दस दिन छोटी बड़ी खबर करवाते हैं, आगे भी करवाते रहे।